हेलो एवरीवन, वेलकम टू जमाल्स किचन। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं दिल्ली की मशहूर चिकन नहारी, जो खाने में बहुत डिलीशियस, बहुत टेस्टी। एक बार इसको ज़रूर ट्राई करिए। जब आप एक बार घर में बनाएंगे तो सब लोग बहुत पसंद करेंगे। इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है, एक बार ज़रूर ट्राई करिए। हमने लिया है 1 किलो चिकन, आप बोनलेस या विद बोन भी ले सकते हैं। 2 मीडियम प्याज, 1 कटोरी दही, 1-1 चम्मच अदरक लहसुन, लहसुन थोड़ा मैंने 1.5 चम्मच लिया है, 1 चम्मच अदरक का पेस्ट, और ये इसका नहारी मसाला। इसका मसाला देखिए, 1 चम्मच काली मिर्चें, 1 चम्मच सौंफ कुटी हुई, दालचीनी, जावित्री, 2 बड़ी इलायची, 8 से 10 लौंगे और 8 से 10 छोटी इलायची, और तेज़पत्ता, नमक आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्चें, 1/2 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच नॉर्मल लाल मिर्चें। इससे बहुत अच्छा कलर आता है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर से। सबसे पहले हम पतीला चढ़ाएंगे। इसमें मैंने 4 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल लिया है, आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं, घी भी ले सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल से बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। 2 हमने मीडियम प्याज काट ली थी लंबे लंबे, उसमें इसको डालेंगे, थोड़ा सा इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे। अब देखिए जो हमारा मसाला था, इसको हम मोटा मोटा पीस लेंगे। इसमें मैं थोड़ा सा जायफल भी डाल रही हूँ। मेन नहारी का मसाला यही होता है। हम सोचें गरम मसाला डाल देंगे तो उससे वो टेस्ट नहीं आ पाएगा। प्याज मेरी गोल्डन ब्राउन हो गई है, अब इसमें हम चिकन डाल देंगे। चिकन को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। मैं आपको बता रही हूँ, आप इसके लिए बोनलेस चिकन भी ले सकते हैं, उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, इसको भी थोड़ा डालकर अच्छे से भून लेंगे। खुशबू अच्छी आ रही है इसकी। 2 से 3 मिनट तक मसाला भूनेंगे। अब अपने मसाले डाल देंगे इसमें, धनिया, मिर्ची, नमक, इसको भी थोड़ा सा 5-6 मिनट तक भून लेंगे अच्छे से। इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है और मसालों से। थोड़ा सा मसाला भून जाएगा, ये 5 से 6 मिनट हो गए हैं मसाला भूनते हुए, मीडियम फ्लेम पर भून रहा है। ढक्कन ढक देंगे इसका, बीच बीच में चलाते रहेंगे इसको, क्योंकि इसमें हमने अभी पानी नहीं डाला है। अब इसमें दही डाल देंगे, 1 कटोरी दही डाला है मैंने, इसको भी अच्छे से चला देंगे। 2-3 मिनट तक इसको भी भून लेंगे अच्छे से। देखिए कलर कितना अच्छा आया है इसमें। अब जो हमने नहारी मसाला पीसा था, ये देखिए 2 चम्मच भर के मैंने नहारी मसाला डाल दिया। गैस हमारी हाई फ्लेम पर है, देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है इसकी। ये फ्रेश मसाला पीस के डालेंगे, बहुत अच्छी खुशबू आएगी इसकी। अब मैंने 1.5 गिलास पानी डाला इसमें, पानी आप अपने हिसाब से रखिएगा, नहारी के हिसाब से। ये नहारी खाने में बहुत टेस्टी, बहुत लजीज लगती है। 5 से 6 मिनट के बाद हम गैस बंद कर देंगे। अब जो है थोड़ा सा इसका ऊपर का जो हम थोड़ा सा रोगन निकाल लेंगे इसका तेल, क्योंकि इसमें आटा मिलाएंगे तो ये सारा चिकना खत्म हो जाएगा। ये ऊपर से डालने में बहुत अच्छा लगेगा। अब मैंने लिया है 3 चम्मच छोटा स्पून आटा, और जो मेरा बचा हुआ नहारी का मसाला था वो मिला दूंगी इसमें। देखिए 1 किलो में मैंने 3 टेबल स्पून आटा मिलाया है। इसको पानी से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसमें लम्स नहीं पड़ने चाहिए। अब लास्ट मोमेंट में हम ये आटा डाल देंगे इसमें, ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, लम्स नहीं पड़े जिससे।
इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। गैस हाई फ्लेम पर है, 2 से 3 मिनट तक इसको पकाएंगे बस। इसको हिलाते रहना है 2-3 मिनट तक। जैसे ये पकने लगे, थोड़ा सा पानी आप अपने हिसाब से डालिएगा, आपको कितना पतला कितना गाढ़ा रखना है। ये देखिए चिकन भी अच्छा गल गया है, इसमें गला हुआ ही चिकन अच्छा लगता है। 3-4 मिनट तक ढकने के बाद देखिए नहारी तैयार है हमारी। अब इसको सर्व करेंगे, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। ये नान के साथ बहुत अच्छी लगती है नहारी, एक बार आप घर में जरूर ट्राई करिएगा। सारी नहारी हमने बर्तन में निकाल ली है, अब इसकी गार्निशिंग करेंगे। इसके लिए मैंने हरी मिर्चें महीन महीन काट ली थी, ऊपर से हरी मिर्चें, लंबे लंबे अदरक के टुकड़े, बहुत अच्छा टेस्ट आता है हरा धनिया। ऊपर से हम जो रोगन डालेंगे जो हमने निकाला था पहले, ये देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है इसमें, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसका। एक बार आप घर में ज़रूर ट्राई करिए। मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। थैंक यू।